हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और आज के इस एपिसोड में मैं आपसे बात करूंगा बिहार पॉलिटेक्निक या पॉलिटेक्निक क्या होते हैं इसके विषय में। इस वीडियो को आप पूरा देखना और आने वाले वीडियोस को भी आप जरूर से देखना, जो कि मेरे चैनल पर बहुत ही जल्द आने वाले हैं। इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल बताऊंगा कि पॉलिटेक्निक क्या होता है और इसके क्या फायदे हैं, किस प्रकार से आप चीज़ें कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत सबसे पहले करते हैं। दोस्तों, यदि पॉलिटेक्निक की बात की जाए तो पॉलिटेक्निक एक प्रकार का डिप्लोमा होता है, एक प्रकार का कोर्स होता है। और ये अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग राज्य के नाम से पॉलिटेक्निक होता है। जैसे कि बिहार पॉलिटेक्निक की बात किया तो यह पॉलिटेक्निक बिहार में होगा, झारखंड तो झारखंड पॉलिटेक्निक, यूपी का है तो यूपी पॉलिटेक्निक। तो सभी राज्य के अपने अपने पॉलिटेक्निक होते हैं और इस पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा से संबंधित कोर्स कराए जाते हैं। मैं यहाँ आपसे बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ बिहार पॉलिटेक्निक की, इसमें कौन कौन से कोर्सेज शामिल है और आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, साथ ही साथ इसमें कौन कौन से कोर्स है जो कि फेमस है और ज्यादातर स्टूडेंट ऊटी उसी कोर्स को करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से कोर्स हैं। तो बिहार पॉलिटेक्निक में दो सेक्शन में बटा हुआ है। पहला सेक्शन है हमारा इंजीनियरिंग और जो दूसरा सेक्शन है वो हमारा मेडिकल। तो इंजीनियरिंग में आपको दो कोर्स देखने को मिलता है और जो दूसरा कोर्स हमारा मेडिकल है उसमें भी आपको दो कोर्स देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंजीनियरिंग की। तो इंजीनियरिंग में आपको दो कोर्स पीई और पीपी जैसे कोर्स देखने को मिलते हैं। वहीं अगर बात की जाए मेडिकल में तो मेडिकल में आपको दो कोर्स पीएम और पीएमडी देखने को मिलता है। पीपी और पीपी जो दोनों होते हैं, पीई और पीपी जो होते हैं कोर्स, वो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग और पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग होता है, जो क्रमशः 3 साल और 4 साल का होता है। उसी प्रकार से मेडिकल में जो पीएम और पीएमडी होते हैं, यानी पारा मेडिकल और पारा मेडिकल डेंटल, इसके भी कुछ अवधि होती है। इस प्रत्येक टॉपिक के ऊपर मैं एक विशेष वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप सभी को पीई, पीपी, पीएम और पीएमडी के लिए विशेष तक वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा कि किस प्रकार से आप कोर्स कर सकते हैं और क्या आपके लिए इसमें बेनिफिट होगा यदि आप इस कोर्स को करते हैं। बिहार पॉलिटेक्निक की बात की जाए तो बिहार पॉलिटेक्निक आप किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एग्जाम देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो एग्जाम कैसे देंगे इस विषय में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों, बिहार पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका जो फॉर्म फिलअप डेट है वो फरवरी से मार्च में होता है और इसके जो सिलेबस होते हैं वो करीब 10th लेवल के अकॉर्डिंग ही आते हैं। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिटेक्निक के पूरे डिटेल में नहीं बात कर रहे हैं, शॉर्ट में बात कर रहे हैं पॉलिटेक्निक क्या है। तो इसमें आपको कुछ चीजों के बारे में बता देता हूँ। इस अगला जो पॉइंट है हमारा है एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना। क्वालिफाई करने के बाद आपको जो है कॉलेज चूज करने को मिलता है। तो कॉलेज आपको एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही देख सकते हैं। जो कॉलेज चूज होता है वो काउंसलिंग में होता है और काउंसलिंग आपकी अब ऑनलाइन हो चुकी है। दोस्तों, बिहार पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद आप किसी भी ऐसे फील्ड में जा सकते हैं इसमें आप इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो फील्ड आपका मैकेनिकल क्षेत्र से जुड़ा हो, इलेक्ट्रिकल क्षेत्र से जुड़ा हो या किसी प्रकार के इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़ा हो, या आप कह सकते हैं कि आपका मेडिकल क्षेत्र से हो, तो उस दोनों फील्ड में आप अपने इंटरेस्ट के अलावा उससे अलावा जो है आप कोर्स कर, जो भी कोर्स मतलब अवेलेबल है बिहार पॉलिटेक्निक के अंतर्गत, तो आप उस कोर्स को करने के बाद उसमें आप उस कंपनी में या किसी भी ऐसे कंपनी में जहाँ इसकी मांग है, उपलब्धि है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार पॉलिटेक्निक एक बहुत ही फेमस कोर्स है बिहार में, जिसको अधिकतम बच्चे 10वीं पास करने के बाद ही करते हैं और यह कोर्स 10वीं पास करने के बाद ही किया जाता है। दोस्तों, मैंने आपको बताया अभी कि बिहार पॉलिटेक्निक कोर्स को करने के लिए, जिसमें मैंने आपको 4 कोर्सेज के बारे में बताया, उन सभी कोर्स को करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद ही आप उस कोर्स को कर सकते हैं। हालांकि आपको जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों देखने को मिल सकता है, ये डिपेंड करता है आपके रैंक के ऊपर। आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप रैंक को हाई कर सकते हो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। प्रत्येक टॉपिक के ऊपर मैं वीडियोस बना दूंगा, तो चैनल को जो है जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो में बिहार पॉलिटेक्निक के टॉपिक और सीरीज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।